दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल डी। एलनाबाद नगरपालिका चेयरमैन पद के चुनाव के लिए अब केवल कुछ ही दिन शेष बचे हैं। स्थानीय सरकार के इन चुनावों में जीत के लिए राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में अपने सूरमाओं को उतार रही है ताकि इस चुनावी जंग को जीता जा सके। इसी क्रम में भाजपा ने आज एलनाबाद के वार्ड नंबर 17 में पार्टी प्रत्याशी बच्चन कौर के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर भाजपा के जिलाध्यक्ष आदित्य देवीलाल चौटाला, एलनाबाद के मनोनीत विधायक गोविंद कांडा, भाजपा के वरिष्ठ नेता अमीर चंद मेहता, भाजपा के चेयरमैन पद के प्रत्याशी राजेश कनवाड़िया व रामकिशन कंबोज सहित अन्य कई नेतागण भी मौजूद थे। इस अवसर पर अपने संबोधन में सभी दिग्गज नेताओं ने देश प्रदेश की भाजपा सरकारों की नीतियों की तारीफ करते हुए लोगों से भाजपा प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की ताकि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाकर एलनाबाद में विकास की गंगा को और तेज बहाया जा सके। सभी नेताओं ने लोगों से भाजपा प्रत्याशियों की जीत के दावे भी किए। इस अवसर पर लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ी। अब देखना यह है कि आज उमड़ी यह भीड़ 19 जून को वोटों में कितनी तब्दील हो सकेगी। चैनल डी ने भाजपा प्रत्याशी बच्चन कौर, पार्टी के जिलाध्यक्ष आदित्य देवीलाल चौटाला से खास बातचीत की। आइए आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। सबसे बड़ी बात है कि एलनाबाद लोगों ने उपचुनाव में गोविंद कांडा जी को बहुत बड़ी जीत दी। आज तक का एलनाबाद शहर का इतिहास 500 वोटों का, लेकिन पूरे चुनाव को उपचुनाव को देखें तो कहीं ना कहीं आज एलनाबाद की जनता इस बात को महसूस कर रही है कि उन्हें एक मौका मिला था सरकार के साथ जुड़ने का, और अब ये दोबारा से जो स्थानीय निकाय चुनाव है इसमें भी चेयरमैन और वार्ड्स के इलेक्शन से एलनाबाद की जनता ने पूरा मन बना लिया है। इस दफ़ा पूरा का पूरा एलनाबाद के वार्ड्स और हमारे चेयरमैन साहब बहुत बम्पर जीत लेके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। छोटी सरकार बीजेपी की सरकार बनेगी। आदित्य जी, जिस तरह अभी आपने बताया कि कांग्रेस की गुटबाजी सामने आ रही है, लेकिन आपके दवाले कैसे निकल आई गुटबाजी? देखिए, बीजेपी और बीजेपी, देखिए मैं पर्टिकुलरली किसी एक बारे में बात कर रहा हूँ कि हमारा जब ये फैसला हो गया था अलग अलग लड़ने का, तो मेरा एक ये सुझाव था कि हम फिर उसी तरीके से लड़ें, लेकिन वो जो चीज़ थी दवाली के अंदर प्रत्याशी खड़े थे, हमने उनको कहा कि आप इनको विड्रॉ करें ताकि एक हम मजबूती से उभरें। ये बात रखी, नहीं मानी उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एलनाबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूत है और सारे हमारे तीन चुनाव में अगर सबसे बड़ी जीत कोई दर्ज करेगा तो एलनाबाद के शहर के लोग जीत दर्ज करेंगे। यहाँ भी आपको कहीं लग रही है गुटबाजी है दोनों पार्टियों में या मिलकर चल रहे हैं? ना, ऐसा कुछ नहीं है। गोविंद कांडा जी ने बहुत मेहनत कर रखी है, लोगों का बड़ा प्रेम प्यार इनके साथ है, और आज से नहीं उपचुनाव से मैं कह रहा हूँ कि लोगों के अंदर एक दर्द है कि वो इनको जिता नहीं पाए, क्योंकि शहर के लोगों ने बहुत मदद किया और बहुत बम्पर इनको लीड दी, लेकिन जो कि बहुत बड़ा हल्का है ग्रामीण अंचल में लोगों को अभी तक ऐसे लगा कि हम शायद हम जीत नहीं पा रहे थे, लेकिन जब चुनाव के रिजल्ट आए तो सब लोगों ने ये हैरानगी जताई कि थोड़ा सा अगर जोर लगाया होता तो आज एलनाबाद शहर और एलनाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी सरकार के साथ होती, गोविंद कांडा जी सरकार में एक मंत्री का रुतबा लेके लोगों की सेवा कर रहे होते। अरित जी, ओडा रैली के अंदर एक घोषणा हुई थी, बहुत बड़ी घोषणा हुई थी, 5 जून तक है जो टेल पे पानी पहुँचेगा, लेकिन अभी तक टेल है खाली है। देखिए, गर्मी एक महीना पहले आ गई और सारी जगह दिक्कत आ रही है क्योंकि बरसात अभी तक आई नहीं। इन मौसम में इस समय सारी टेलों पर प्रॉब्लम रहती है। मैं कोई आज की बात नहीं कर रहा, मैं खुद खेती करता हूँ, गर्मी में दिक्कत आती है, तो हम तो खुद इंतजार कर रहे हैं कि परमात्मा बरसात करे ताकि ये दिक्कतें दूर हों। जिले में 3 जगह चुनाव है जी, आपको क्या लगता है भाजपा कितना अच्छा प्रदर्शन रहेगा? देखिए, भाजपा के कोटे की जो सीटें आएंगी उनमें निश्चित तौर पर भाजपा जीत रही है। जो जेजेपी के खाते में आई, मैं तो भाजपा की बात कर सकता हूँ, गठबंधन में हो सकता है, गठबंधन की मैं तो विश कर सकता हूँ। आपकी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूशन वाली, हाँ, जोर लगाएंगे तो जीतेंगे। नहीं लग रहा है कि आपको? मेरे को तो लग रहा है जोर लगाएंगे जीतेंगे। ठीक है, मैं डोर टू डोर प्रचार के लिए जा रही हूँ, साथ में लेडीज को लेके, मुझे रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया मिल रहा है। क्या आपके पास में मुद्दे हैं जो आपको लोग वोट दे, आपकी पार्टी को वोट दे? मुद्दे ये हैं जी, जो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंध रखती थी, अब मैं रिटायर्ड हो चुकी हूँ,
तो बच्चों को जो गरीब बच्चे हैं पढ़ नहीं पाते हैं या छोड़ जाते स्कूल, उनको आगे लाने के लिए, उनकी सुविधाओं को देने के लिए जो भी में से मतलब बन पड़ेगा उनकी सहायता करूंगी, मदद करूंगी। और मुझे यदि वार्ड नंबर 17 के लोग एमसी बनाते हैं तो उनके लिए कई सुविधाओं के लिए मैं प्रस्ताव रखूंगी, जैसे बच्चों के खेल के मैदान और गरीब बच्चों की हेल्प करना, उनके मतलब जो भी स्टेशनरी का सामान, या उनको मोटिवेट करना स्कूल में जाओ पढ़ो। हाँ, पानी की सुविधा, कई लेडीज कह रही थी पानी की सुविधा नहीं है, तो उनको व्यवस्थित ढंग से हम पानी की सुविधा प्रदान करेंगे और उनके लिए गुहार लगाएंगे जी। और स्ट्रीट लाइट भी एक गली में नहीं थी, वो लेडीज़ बोल रही थी कि या आप स्ट्रीट लाइन के लिए, लाइट के लिए आप सभी से हमारे लिए आवेदन करना है। मैं 101% आश्वस्त हूँ, सभी ने मुझे इतना आश्वासन दिया है कि आप मतलब जीतोगे, 101% जीतोगे। कोई मुकाबला किसी के साथ नहीं है जी, सब अपने पे अपने अपने दम से लड़ रहे हैं जी।